मेरे माता पिता भाई और सज्जनों, पहले मैं उन माताओं को याद करना चाहते हैं कि जिनकी कोख से इस हिंदुस्तान में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे नौजवान को पैदा किए थे। मैं उन माताओं को प्रणाम करके मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वां जन्मदिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा था कि चलो दिल्ली चलो। उन्होंने ये भी बोला था कि अंग्रेज हुकूमत चला जाने के बाद में भी हमारी देश में जो जमाखोरी पूंजीपति और जो कैपिटलिस्ट सेक्शन है उनके खिलाफ हमारी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। लेकिन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस चिंतन को आप साकार किए हैं कि दिल्ली की नज़दीक पर पहुंचकर आप लोग ये नारा उठा रहे हैं कि आज कॉरपोरेट हाउस को इस ज़मीन पे जगह नहीं दिया जाएगा। हम किसान, हम मेहनत कश आदमी, हम मजदूर कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ रहे हैं और कॉरपोरेट को बचाने के खातिर अगर मेरे सामने कोई भी आए, आज मोदी है कल और कोई भी आएगा, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि इस देश की जो समाज की जो भी सुविधा आज हमारे उपलब्ध होते हैं वो मजदूर किसानों की मेहनत के द्वारा बने हुए हैं। मजदूर किसानों के मेहनत के द्वारा इस सभ्यता को बन रहे हैं और हमारे अंदर में फूट पैदा करने के लिए वो तरह तरह की मजहब की बात करते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी अपने मजहब के लिए, अपने चिंतन के लिए जान कुर्बान करते हैं, लेकिन अपना धंधा के लिए मजहब की नाम नहीं लेते हैं। ऐसा घिनौना काम हम हिंदुस्तानी कभी नहीं करते हैं। हम हिंदुस्तानियों को आज ये सोचना पड़ेगा कि इस जगह पर आप लोग जो खड़े हैं, आप लोग जो धरना मंच पर बैठे हुए हैं, ये आवाज़ आप हिंदुस्तान की हर कोने में पहुँचे हैं, हर कोने में पहुँचे हैं। लेकिन ये कुछ राजनीतिक नेतागण इसके बीच में फूट डालने के कारण से और चुनाव के कारण से ये अंदर में एक एक से नई नई की बात ला करके हमारी अंदर में फूट पैदा करने चाहते हैं। मैं अगर अपने आत्मा से पूछते हैं कि अगर मैं वोट डाला, किसी ने मंत्री हुआ, एमएलए हुआ, कोई मोदी बना, कोई और कोई भी बना, लेकिन हम जनता को कुछ नहीं मिला है। हम जनता को अगर कुछ मिला है तो लड़ाई के मैदान में मिला है। हम जनता को अगर कुछ मिला है आंदोलन के मैदान में मिला है। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सीख था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अगर आपके सामने कोई उत्पीड़न होते हैं, आपके सामने कोई अत्याचार होते हैं, आपके सामने कोई भ्रष्टाचार होते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही है नौजवानों की फर्ज, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही हिंदुस्तान की फर्ज होते हैं। मैं वो हिंदुस्तानी हूँ, हम हिंदुस्तान के बाहर से नहीं आए हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह के 125वां ये जन्मतिथि पर वही बात को फिर दोबारा याद करना चाहते हैं कि हमारी पूर्वजों वो कायर नहीं थे, हम भी वो कायर का बच्चा नहीं आए। मैं वो हिंदुस्तानी हूँ कि मोदी जितने भी ताकत लगाए, जो भी करे, हम किसान और मजदूर की एकता को वो तोड़ नहीं पाएगा। हम किसान मजदूर एकता को बरकरार रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं नारा लगाता हूँ, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। हम किसान मजदूरों से जो टकराएगा, हम किसान मजदूरों से जो टकराएगा, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साढ़े को इतने पलेदार यूनियन हरियाणा जिला फतेहाबाद संयुक्त किसान मोर्चे को हमायत देन आए आ स्टेज वालों, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। ते हुण तुहाडे नाल कविश्री भाई कुलवीर सिंह हरदान गुरदासपुर तो पेश करनगे, उन्हां तो बाद कुलदीप सिंह संघरा सवाई आगू किसान संघर्ष कमेटी कोटबुड्ढा तैयार रहन। परम सत्कारयोग मेरे बजुर्गो, मेरी ओ मतावो, मेरे ओ वीरो, गज वज के फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी धनता दे योग हो जो भारत सरकार वालों
तिल तीन काले कानून किसानी ते थोपे गए ने उन्होंने रद्द करवाउण वास्ते पिछे लंबे अरसे तो दिल्ली नू चार शफेरे तो